कानपुर में बर्रा थाना अंतर्गत हुक्काबार में नाबालिग छात्रा से हुए रेप कांड में बर्रा पुलिस की कार्रवाई काफ़ी सुस्त नज़र आ रही है। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी रेप कांड के आरोपी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर समेत अन्य आरोपी बर्रा थाने की पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। चर्चा है कि अजय ठाकुर ने अपनी बेगुनाही के लिए जो सीसीटीवी फुटेज फेसबुक पर पोस्ट किया था, अब वही उसके जेल जाने का सबसे बड़ा सबूत बनेगा। लगातार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप कॉल पर एक्टिव होने के बाद भी पुलिस उसका सुराग लगाने में अब तक नाकाम रही है। बर्रा के एक हुक्काबार में 3 मार्च को एक 16 साल की नाबालिग छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप है कि जरौली के रहने वाले उसके इंस्टाग्राम दोस्त विनय ठाकुर ने उसे हुक्काबार में अपनी हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद अपने दोस्त हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और अमन सिंगर समेत 7 लोगों के हवाले कर दिया था। इसके बाद उसके साथ सुनसान जगह पर गैंगरेप की भी कोशिश हुई थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय ठाकुर और हुक्काबार संचालक शोभित पाल को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था, जबकि रेप कांड का आरोपी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और अमन सिंगर समेत अन्य आरोपी खबर प्रकाशित किए जाने तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि आरोपी की मौजूदगी भले ही रेप कांड के दौरान हुक्काबार में नहीं थी, लेकिन छात्रा जब उसके घर पहुंची तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। अब तक की जांच में सामने आया है कि अजय ठाकुर ने ही मुख्य आरोपी को संरक्षण दे रखा था। रेपकांड से पहले भी लगातार किशोरी का यौन उत्पीड़न किया गया। अजय ठाकुर को पूरे मामले की जानकारी थी। हिस्ट्री शीटर के संरक्षण में ही विनय ने सब कुछ किया। आरोपी को पकड़ने के लिए बर्रा पुलिस के साथ ही डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल की भी टीम काम कर रही है। जल्द ही उसे और अन्य आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। रेप कांड के बाद फरार चल रहे आरोपी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर ने 8 मिनट का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया है। सीसीटीवी फुटेज पर वॉइस ओवर करते हुए उसने बताया कि रेप के दौरान वह घर पर था, जबकि पीड़िता उससे आरोपी को लेकर उलाहना देने घर आई थी। इस दौरान विनय उनके घर पर ही था। बताया जा रहा है कि अब पुलिस इस सीसीटीवी को ही साक्ष्य बनाकर इस्तेमाल करेगी कि पूरे मामले में अजय ठाकुर की संलिप्तता थी। सीसीटीवी फुटेज ही अजय ठाकुर के जेल जाने का आधार बनेगा। रेपकांड में 3 नामजद और 5 अज्ञात पर आरोप है। इसके चलते बर्रा पुलिस हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर के एक एक साथियों को दबिश देकर उठा रही है। आरोप लग रहा है कि बर्रा पुलिस उनसे मोटी रकम लेकर छोड़ रही है। आरोप है कि बर्रा पुलिस जेल भेजने का डर दिखाकर अजय ठाकुर के साथियों से वसूली कर रही है। रजत कुमार, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।